प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज। मी नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, मी बांग्ला आवाज पाया। नमस्कार, नेनु तेलुगु स्वरं गीतनु। वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी। नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ। हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। माय नेम इज अजीत वाडेकर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। हाय देयर, दिस इज विद्या नाइक, फॉर्मर वुमेन्स क्रिकेटर एंड आल्सो सोशल वर्कर। मैं उमेश कुलकर्णी, फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रात के 9 बज चुके हैं और टाइम हो गया है गैजेट कैफे का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज राहुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं गैजेट कैफे के एक फ्रेश एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं शो में। सबसे पहले मैं लिसनर से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं अपना फेसबुक पेज राहुल गैजेट कैफे अपडेट नहीं कर पा रहा हूं किसी टेक्निकल इशू की वजह से, बट वो वहां पर अभी भी अपनी क्वेरी या कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। और प्लीज पेज को लाइक कीजिए, आप लिसनर शायद लाइक करना भूल रहे हैं पेज को। व्यू जरूर हो रहे हैं बट लाइक्स नहीं मिल रहे हैं। प्लीज लाइक कीजिए शो को ताकि हम अपने शो को और प्रमोट कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और शो में हम आज सबसे पहले बात करेंगे टेक न्यूज की। बहुत सारे हैं अपडेट्स और मुझे लगा कि सबसे पहले आज बात की जाए टेक न्यूज की ताकि आप रहें हर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की न्यूज से अपडेट। पहला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है बॉस की तरफ से। उन्होंने एक नए ईयरफोन निकाले हैं, नॉइज मैस्किंग स्लीप ईयरबड्स। ये पहने हैं आपको रात को सोने के टाइम में, आपको सोते समय पहने हैं। और इससे क्या होगा कि आसपास की आपको कोई भी नॉइज सुनाई नहीं देगी, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे कोई आपके पास सो रहा है और वो खर्राटे ले रहा है तो आपको उसके खर्राटे सुनाई नहीं देंगे। आसपास कॉलोनी में कोई कुत्ते आवारा घूम रहे हैं, भौंक रहे हैं तो आपको उनके भौंकने की आवाज सुनाई नहीं देगी। और अभी एक क्वेश्चन मार्क भी है इस पे कि अगर कोई फोन आ जाता है या डोरबेल रिंग हो जाती है तो उसकी आवाज सुनाई देगी या नहीं, ये नहीं पता। अगला अपडेट आ रहा है उबर की तरफ से। उबर ने लॉन्च कर दिया अपना मोबाइल वर्जन im.uber.com और अब आप बिना ऐप इंस्टॉल किए कैब कर सकते हैं बुक। और इनके ऑफलाइन फीचर की हेल्प से आप कॉल करके भी कैब बुक करवा सकते हैं। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि जो उबर है और यहाँ ओला है आपस में
कंपटीशन के चक्कर में रोज नए नए कुछ ना कुछ फीचर्स निकालते रहते हैं, और इनडायरेक्टली कहूँ या डायरेक्टली कहूँ फायदा तो हम कस्टमर्स का ही है। तो चलिए आप अब कॉल करके भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि 4G छोड़िए कहीं एरियाज में तो 3G 2G भी नहीं होता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है सैमसंग पे की तरफ से। सैमसंग के पे को मिल गया है सपोर्ट UPI का, और अब ये भी बन गया है UPI बेस्ड पेमेंट ऐप, और अच्छी न्यूज है सैमसंग पे यूजर्स के लिए। और नेक्स्ट अपडेट आ रहा है टेस्ला की तरफ से। टेस्ला बहुत जल्दी बनाने वाली है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार, जिसकी स्पीड होगी 250 माइल से भी ज्यादा, और 10,000 न्यूटन मीटर होगा टॉर्क उसका। कमाल है ना कि मतलब बैटरी से चलने वाली कार, इलेक्ट्रिक कार बन रही है और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार होगी वो। और जो टेस्ला है उसने काफी चीजें इम्प्रूव करी है अपना, हमारे जो ट्रक्स होते हैं उनमें भी, ट्रक्स में उन्होंने उसको बना दिया है सेमी इलेक्ट्रिक, और जो पेट्रोल और डीजल वाले ट्रक्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ये अच्छा है कि आप पूरा का पूरा वो करने की बजाय ट्रक को चेंज करने के बजाय उसमें अगर आप कुछ ऐसे सेमी चेंजेस लाकर कुछ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला जो अपडेट है वो आ रहा है गूगल असिस्टेंट की तरफ से आपके पिक्सल फोन के लिए। अब आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू अपने फोन से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं फोन में क्या प्रॉब्लम है, और उसी के थ्रू आप अब उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला अपडेट है OnePlus 5T के लिए। वैसे तो ये कल लॉन्च हो चुका है, पर फिर भी आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि लॉन्च से पहले जो रजिस्ट्रेशन हुए थे इंडिया में वो थे 1.1 मिलियन। 1.1 मिलियन इंडियंस ने इसके लिए रजिस्टर किया है, और बहुत ही अच्छी बात है ये OnePlus के लिए कि उनके फोन की इतनी ज्यादा डिमांड है। अगला अपडेट आ रहा है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने लॉन्च कर दिया है अपना क्रिएटर ऐप, जिसकी हेल्प से आप अब वीडियोस को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, और काफी सारे नए टूल्स निकाले हैं उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी। अब फेसबुक क्या है कि फेसबुक चाह रहा है कि लोग आप वीडियोस अपडेट तो करते ही अपलोड तो करते ही हैं इस पे, तो अब वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस फेसबुक पर अपलोड करें और लाइक करें शेयर करें, क्योंकि अब धीरे धीरे फेसबुक जो है वो वीडियो के लिए, वीडियो अपलोडिंग के लिए हब बनता जा रहा है और काफी कड़ी टक्कर दे रहा है यूट्यूब को, तो इसलिए उन्होंने ये नया ऐप निकाला है। अगला जो है वो आ रहा है अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप बहुत जल्दी एक स्विच बटन लाने वाला है ऑडियो और वीडियो कॉल के दौरान, और जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो अभी क्या होता है कि काफी मुश्किल आती है स्विच करने में, और तो अब आगे अलग से एक बटन आ जाएगा कैमरा ऑन ऑफ का। अगला जो अपडेट है वो शाओमी की तरफ से है। शाओमी ने खोला अपना 24/7 स्टोर रशिया में। आओ, ये जो स्टोर है ये ओपन रहेगा 24 घंटे सातों दिन। वाह यार, बढ़िया इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट कि आप कभी भी जब भी आपका मन करे आप जाएं, जब आपके पास टाइम हो शाओमी के स्टोर में जाएं और परचेज कर लें उनका कोई भी प्रोडक्ट। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो जाके आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हें किसी भी टाइम पे। अगला अपडेट भी शाओमी की तरफ से ही आ रहा है। शाओमी ने जो है एक नया स्टोर खोला है इंडिया में, और वो खोला है चेन्नई में। ये इनका थर्ड स्टोर है। पहला स्टोर जो था वो बेंगलोर में खुला था सबसे पहले, फिर उसके बाद खोला इन्होंने दिल्ली में, और अब ये खोल रहे हैं चेन्नई में। और अगला अपडेट भी शाओमी की तरफ से ही है कि नोट 5 इनका बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि एक शॉपिंग साइट पर हो गया था इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बट अब वो पेज वहां से हटा लिया गया है, बट इससे पता चलता है कि नोट 5 भी बहुत जल्दी आने वाला है। अगला अपडेट आ रहा है साइंटिस्ट की तरफ से। उन्होंने भेज दिए हैं यहाँ से सिग्नल्स एलियंस को, और काफी कोई कॉम्प्लेक्स मैसेज उन्होंने भेजा है सिग्नल के थ्रू। देखते हैं उसका जवाब आता है या नहीं। एलियंस हैं हमारे से दूर 12 लाइट ईयर्स, और ये जो मिशन है ये पॉसिबल हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा 2042 तक। देखते हैं, तुक्का मारा है, अगर तुक्का लग गया तो सही, नहीं तो, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं,
अगर करते हैं तो क्या है, अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट अपडेट माइक्रो ड्रोन्स की तरफ से आ रहा है अपडेट कि पता लगा है कि अब ये भी कुछ एक्सप्लोसिव कैरी कर जा सकते हैं, और अगर ये झुंड में जाएं तो काफी ज्यादा लोगों पर अटैक कर सकते हैं, और आगे चलकर शायद आर्मी इनका ही यूज करने वाली है, और देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल अगर ये ऐसे कुछ है तो बहुत ही चिंताजनक बात है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगला अपडेट है होंडा की ड्राइवरलेस कार्स जो होंगी वो होंगी बेस्ड 5G पर, जो भी कम्युनिकेशन होगा कार्स के बीच में यहाँ आपके साथ जो भी होगा वो होगा 5G। बट अब ये सोचने वाली बात है कि अभी तक जब 3G 4G ही अच्छा नहीं चल रहा, तो 5G जब तक आएगा तो देखते हैं क्या होता है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। नेक्स्ट अपडेट है तोशिबा की तरफ से। तोशिबा आपको पता ही होगा, एक जापानीज कंपनी है, कंप्यूटर्स और चिप्स की कंपनी है। थोड़े दिन पहले ऐसा रूमर आया था कि ये अपना बिजनेस बेच रहे हैं, और लिनोवो ने इसको खरीदने की कोशिश भी की थी, बट अब वो कह रहे हैं कि हम खुद ही अपना बिजनेस चलाएंगे और वो नहीं बेचने वाले हैं ये चिप बिजनेस किसी को भी। अपडेट आ रहा है नोकिया की तरफ से। नोकिया ने क्लियर कर दिया है कि इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स हैं, और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अब सबसे ज्यादा वायरस स्मार्टफोन्स में पाया जाता है। एक टाइम था जब विंडोज कंप्यूटर्स या विंडोज लैपटॉप में वायरस होता था, और अब एंड्रॉइड के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें पाया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। अगला जो अपडेट है वो आ रहा है ह्यूमन कार्टिलेजेस को लेकर। कार्टिलेज में क्या होता है, 80% वाटर होता है, बट उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी कमाल की होती है फोर्सेस को के लिए। और जो अपडेट ये आ रहा है कि जिस मटेरियल से बुलेट वेस्ट बनती है, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनती है, उस मटेरियल से अब बनाया जाएगा कार्टिलेजेस को भी, और आगे इस्तेमाल में लाया जाएगा ह्यूमन बॉडी में रिप्लेस करने के लिए। अगला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है पेटीएम और आईसीआई बैंक की तरफ से। ये इनके कोलैबोरेशन से एक नया स्कीम निकला है कि आप जो यूजर एलिजिबल होंगे उनको मिल सकता है 45 दिन तक का 20,000 रुपए तक का उधार, वो होगा इंटरेस्ट फ्री। तो ये काफी अच्छा प्लान निकाला है पेटीएम और आईसीआईसीआई ने, देखते हैं ये कैसा आगे चल के परफॉर्म करता है। अगला अपडेट आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के लिए, इंडिया में आने वाला है ई एड्रेस सिस्टम। इसमें होगा क्या कि आपका कोई भी गली नंबर हो, कोई भी प्लॉट नंबर हो, हाउस नंबर हो, शॉप नंबर हो, वो बदल जाएगा एक 6 अक्षरों के कोड में, और जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, और आप तक पहुंच जाएगी हर चीज बहुत ही आसानी से उस कोड के थ्रू, बिल्कुल पिन पॉइंट पर वो होगा एड्रेस, और कोई आपके घर आ रहा है तो उस कोड के थ्रू GPS सिस्टम पे उस कोड को फीड करके वो पहुंच जाएगा सीधा आपके घर, या कोई भी आपके घर होम डिलीवरी आनी है ऑनलाइन शॉपिंग की तो वो उस कोड के थ्रू बहुत ही इजीली पहुंच जाएगा। ये थे आज के अपडेट्स, और हम मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और करेंगे OnePlus 5T का रिव्यू।
के इंग्लिश के जो डाले देसी डाले क्योंकि बेबी को क्रेज पसंद है। स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ओ बेबी बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है।
बहार की है। बाहों में यार की ही दुनिया बहार की है। प्यार बिना क्या जीना, ये भी कोई जिंदगी है। प्यार स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल, उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1-800-123-734। मैं हूं कुलभूषण खरबंदा, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो एंड वेलकम बैक टू गैजेट कैफे वंस अगेन। फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है 1+5T के रिव्यू का। 1+5T की बात करें तो ये 1+5 का अपग्रेड है, कुछ माइनर चेंजेस और माइनर इम्प्रूवमेंट्स के साथ आया है। सबसे पहला इसका जो मेन हाईलाइट है वो है इसका स्क्रीन साइज है इसका 6.1 इंचेस का विद HD स्क्रीन और उसका एक्सपेक्टेड रेशियो है 18:9। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है इस फोन को विद साइड्स एल्युमिनियम, चारों तरफ से एल्युमिनियम साइड्स हैं इसकी। और जो बैटरी है इसमें वो 3400 mAh की है और जो प्रोसेसर है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 है। जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो अब बैक साइड में चला गया और फ्रंट में आ गया है, सोच सकते हैं आप, गेस कीजिए जी। फेस ID अनलॉक फीचर आ गया है इसमें भी और बहुत रिस्पॉन्सिव है वो, काफ़ी फास्ट है। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं आपका फेस आईडी से अनलॉक हो जाता है फ़ोन। और देखते हैं आगे कि कैसा परफॉर्म करता है ये सिस्टम इनका, बिकॉज ऑलरेडी आईफोन 10 में ये फीचर आ चुका है फेस रिकॉग्निशन के नाम से और वो कई जगह पे फेल हो गया है। तो देखते हैं कि आगे चलकर ये कैसे परफॉर्म करता है। और अच्छी बात उस पर ये दी गई है कि उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को नहीं हटाया, फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी भी उस फोन में है। अगर आप फेस आईडी से अनलॉक नहीं करना चाहते तो आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर से इसको अनलॉक कर सकते हैं। जो इसमें USB पोर्ट दिया गया है वो है USB पोर्ट A2 टाइप सी पोर्ट और साथ ही साथ इसमें 3.5 mm हेड जैक भी दिया गया है थैंक्स टू वन प्लस विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड देयर डैश चार्जिंग। अब फोन के कैमरा की बात करें तो फ्रंट में वही है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो 1+5 में था और रियर में डुअल सेटअप कैमरा है 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का जो नए पोर्ट्रेट मोड के साथ आया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ आया है, काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आती हैं पोर्ट्रेट मोड में। और बस इस फोन के बारे में मैं और क्या बताऊँ, काफी अच्छा फोन है। दो वेरिएंट्स हैं इसके, वही 6GB रैम वेरिएंट और 8GB रैम वेरिएंट, वही सेम प्राइस है जो 1+5 का था। तो अब मैं इसके अगर इस फोन के लिए मैं ओपिनियन दूं तो वो ये होगा कि अगर आपके पास 1+5 ऑलरेडी है तो आप इस फोन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, और अगर आपके पास 1+5 नहीं है उससे पुराने फोन्स आपके पास है लाइक 1+3 और 1+3T या आपके पास 1+ का कोई फ़ोन है ही नहीं और तब आप सोच रहे हैं 1+5T लेने के लिए, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपको ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है इस फ़ोन की, तो इट्स अ फ्लैगशिप किलर।
तो आप जा सकते हैं इस फोन के लिए। मेरी तरफ से इस फोन को है पिक। और अब फिर से वो चला है टाइम म्यूजिकल ब्रेक का, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादें देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थार जैसा ना कोई 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 के मौसमों की भीगी हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थार जैसा ना कोई जग घूमे थार जैसा ना कोई नसीबों में या हौसले की बातों में सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है संग तुझे रखना है तूने संग रहना मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं वही करना जो है कहना जग घूमे थार जैसा ना कोई जग घूमे थार जैसा ना कोई
तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हसीन है, ओ तू ही वो हसीन है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हसीन यही कहने लगा, ओ मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ढूंढे नजरे जिसे दिन रात कोई और नहीं है, तू ही वो हसीन को एक राह मुस्तकिल मिल गई, अब ना तरसूंगा मैं राहत को, मुझे ख्वाबों की मंजिल मिल गई, संगे मरमर की मूरत है तराशी हुई, बरसों में तसल्ली हुई, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, और मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ऐसी ही किसी मूरत की मेरे मंदिर में कमी है, तू ही वो हसी है, ओ तू ही वो हसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हसी है, तू ही वो हसी है। इस बार रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे होगी डबल मस्ती, पोएट्री। इश्क में गूंदे थे जो गजरे नकीले हो गए, उसके हाथों में इस बार भी कंगन ढीले हो गए। सिंगिंग, रड़के 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 नी तेरा मेरा प्यार सोनिए। डिस्कशंस, चैलेंजेस फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैट्रिमोनियल फॉर द Women with disabilities. Cultural Eve. Munda pind da si shehar jaake shehri ho gaya. Aur Udaan Idol ka grand finale bhi. To intezar kis baat ka? Limited seats are available. Registration ke liye aaj hi log in kare hamari website www.radioudaan.com. Happy listening.
क्या सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? Oh my God, I'm so sorry सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई है, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक वंस अगेन टू गैजेट कैफे। फ्रेंड्स, मैंने अपने टेक न्यूज में बताया था कि Xiaomi का Note 5 बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैंने सोचा कि जो Xiaomi के हार्डकोर फैंस हैं इंडिया में, क्यों ना उनको एक ओवरव्यू दे दिया जाए Note 5 का, कैसा हो सकता है Note 5। तो चलिए जानते हैं। Note 5 आने वाला है दो वेरिएंट्स में, 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी के साथ, और जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी और 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी। इसका जो प्राइस हो सकता है तो वो है, एक्सपेक्टेड है कि 3GB रैम वाले वेरिएंट का जो प्राइस है वो अराउंड 10,500 होना चाहिए, और साथ ही साथ जो 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी वाला वेरिएंट है उसका प्राइस होना चाहिए अराउंड 13,000 और 12,500 में भी, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो 128GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी वाला वेरिएंट है उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 14,500 या 15,000, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता Xiaomi कोई प्राइस रखेगा अपने फोन्स का, बिकॉज Xiaomi फेमस ही इसी चीज़ के लिए है कि वो काफ़ी लो प्राइसिंग रखता है और अच्छे फोन्स लेके आता है लो प्राइस पर। और साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि इस फ़ोन पर काफ़ी कम बेजल्स होने वाले हैं और 18:9 एक्सपेक्टेड रेशियो स्क्रीन होने वाली है इस फ़ोन में, और जो प्रोसेसर हो सकता है वो भी मुझे लगता है कि शायद दो हो सकते हैं, 635 और 660, स्नैपड्रैगन 635 और 660, ये दो प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं दो डिफरेंट वेरिएंट्स में, या इन दोनों प्रोसेसर में से एक प्रोसेसर होने वाला है इन दोनों फोन्स में, डेफिनेटली होगा, बिकॉज इस टाइम जो इस प्राइस पर ये फ़ोन आ रहे हैं उसके लिए प्री प्रोसेसर बहुत अच्छा है, डुअल सेटअप कैमरा होगा इसमें, और ऑफ कोर्स सेल्फी कैमरा तो होता ही है, और मुझे भी लगता है शायद कुछ फेस आईडी अनलॉक जैसा फीचर Xiaomi भी ले आए, क्या कह सकते हैं Xiaomi का, बिकॉज Xiaomi कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड करता है, तो इसलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रेंज में Xiaomi शायद कुछ धमाका करते। तो अगर आप फ़ोन
शाओमी का ही लेना पसंद करते हैं, हार्ड कोर फैन है शाओमी के, और अभी आपको फोन चाहिए तो वेट कीजिए, बहुत जल्दी ये फोन आने वाला है और एक दो महीने में एक्सपेक्टेड है कि ये फोन आ जाए, हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते शाओमी के बारे में, शाओमी कब लॉन्च कर दे इस फोन को। और अगर आपने कभी शाओमी का फोन यूज नहीं किया और 10,000 to 15,000 का आपका बजट है तो भी आप वेट कर सकते हैं इस फोन के लिए, अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ये फोन आने वाला है, तो यू कैन वेट फॉर दिस फोन। तो फ्रेंड्स आज के शो में बस इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे रात को 9 बजे फिर से, और उससे पहले मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ राहुल गैजेट कैफे पेज पर जाके अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए, अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी भी गैजेट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में उसको रिव्यू करूं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स अपने सजेशंस जो हैं वो राहुल गैजेट कैफे फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशंस हैं, तो आप www.radioudaan.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर लिसनर्स, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।
तेनु इतना मैं प्यार करा एक पल विच साबार करा तू जावे जे मैनु छड़ के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके
for the groove.